नमस्कार, हमारे साथ हैं अमेरिका से नैनो टेक्नोलॉजी में पीएचडी डॉक्टर पुनर्वसु जोशी। पुनर्वसु इन दिनों हिंदी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जोशी जी, हिंदी के लिए लड़ाई लड़ने की कोई खास वजह? पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूं कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया और इस मंच को मुझे उपलब्ध कराया। हिंदी के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि भाषा और संस्कृति के प्रश्न एक साथ जुड़े हुए हैं, और 15 साल जब मैं बाहर अमेरिका रहते हुए पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि जिस तरह हमारी भाषा परिवर्तित होती जा रही है, धीरे धीरे इसके रूप बढ़ेंगे, और आज दिख रहा है। मैं गया था सन 2001 में, उस समय हिंदी में अंग्रेजी शब्दों को मिलाने की शुरुआत हुई थी। आज यह है कि हिंदी का जो एक अपनी संरचना है वो पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी है, और जब एक भाषा अपनी संरचना खो देती है तो उस भाषा से जुड़े हुए उसके विचार, उसकी सोच, वो सब भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हिंदी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? साजिश कहना तो इसे एक थोड़ा अधिक शब्द इस्तेमाल करना होगा, लेकिन एक संघर्ष जरूर है, क्योंकि हिंदी के साथ साथ हिंदी बोलने वालों का, हिंदी में पढ़ने लिखने वालों का एक पूरा का पूरा बाजार है जो लोग हिंदी करते हैं। अगर उन लोगों की भाषा बदल दी जाए, और ऐसा अफ्रीका में हुआ है, यूरोप में हुआ है, तो वह बाजार धीरे धीरे अंग्रेजी के लिए तैयार होता है। हिंदी को विस्थापित कर दिया जाए तो उसके विचार विस्थापित हो जाएंगे, उसकी सोच विस्थापित हो जाएगी, और जब किसी समाज की भाषा विस्थापित होती है, उसकी सोच विस्थापित होती है, तो उसमें एक दूसरी सोच डालने की, एक दूसरी भाषा डालने की जगह अपने आप तैयार हो जाती है। तो इस चिंतन को लेकर मैंने हिंदी के लिए लड़ना शुरू किया। से हिंदी से जुड़ी अन्य बोलियां हैं, हम ब्रज की बात करें या राजस्थानी की बात करें या फिर अन्य बोलियों की बात करें, इनके लगातार भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग हो रही है, इसका हिंदी पर क्या असर होगा? इसका हिंदी पर बहुत गहरा, गंभीर और सबसे बड़ी बात यह है कि विघटनकारी असर होगा, क्योंकि भाषा की शक्ति उसकी बोलियां ही होती हैं। अगर एक रूपक हम लिया जाए, देखा जाए, तो हम यह कह सकते हैं कि शायद ये दुर्गा भाषा दुर्गा जैसी होती है, जिसे किसी किसी देवता ने अस्त्र दिया, किसी दूसरे देवता ने अपनी शक्ति दी, किसी तीसरे देवता ने अपना चक्र दिया। इस तरह सामंजस्य कर भाषा भी बोलियों से समृद्ध होती है, बोलियों से बढ़ती है। हम बात करें अंग्रेजी की, अंग्रेजी खुद जो मूल अंग्रेजी है अपने आप में 4 बोलियों से बनी हुई है, एंग्लिकन, वेल्श, कैंटिश, सैक्सन। तो इन बोलियों से समृद्ध हुई भाषा ही भाषा है। बोलियों को अगर आप भाषा से काट दें तो उस भाषा के हाथ पैर काटना है, उसको उसकी शक्ति को क्षीण करना है। और एक प्रश्न यह उठता है कि अगर बोली को हम भाषा से अलग हट करके रख भी दें तो क्या वह बोली अपने आप में इतनी समृद्ध हो पाएगी? क्योंकि जो आज लड़ाई हिंदी लड़ रही है, जिस चुनौती से हिंदी संघर्ष कर रही है, वही के वही चुनौतियां उस बोली के सामने भी रहेंगी। तो यह प्रश्न उठता है कि अगर हम भाषा से तोड़कर राजस्थानी को या भोजपुरी को या किसी दूसरी अन्य बोली को अलग मानक दर्जा दे दें, तो क्या वे चुनौतियां जो हिंदी झेल रही है उन बोलियों के सामने नहीं आएंगी? और एक अंतिम बिंदु इस पर कि अगर भाषा विज्ञान की बात की जाए तो भाषा विज्ञान के अनुसार भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता। यह निर्णय सामाजिक और राजनीतिक होता है, क्योंकि अगर किसी बोली में कुछ कहा गया लोग उस मानक भाषा में समझ सकते हैं, और अगर उस मानक भाषा में कहा गया लोग उसकी बोलियों में समझ सकते हैं, तो किसी भी बोली को भाषा का दर्जा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप में एक राजनीतिक निर्णय ही होगा, इसीलिए यह संघर्ष है। हिंदी के लिए आपने ऑनलाइन याचिका शुरू की है, उसको कैसा समर्थन मिल रहा है? हिंदी के लिए मैंने ऑनलाइन याचिका शुरू की है, जो उसको काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है। मुझे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ईमेल, फोन, हर तरफ से उसको लेकर प्रश्न आ रहे हैं, आपने क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया। हिंदी पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है, फिर भी क्या कारण है कि इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया? इसके पीछे सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुद्दे राजनीतिक हैं, सामाजिक भी हैं, क्योंकि हम अपनी भाषा को उतना सम्मान नहीं देते जितना कि बाहर विश्व में मिलता है। अगर आप फ्रांस में जाएंगे तो वहां लोग यह आपको जोर देते हैं, भले ही आप पर्यटक हों, लोग यह जोर देते हैं कि आप अगर उनसे पता पूछें कहीं का या किसी जगह जाने के लिए कुछ दिशा निर्देश चाहें तो आप फ्रेंच में कहें, भले आप टूटी फूटी फ्रेंच में कहें, लेकिन हम दूसरी भाषा को अपनी भाषा में डालने के लिए आतुर रहते हैं। हम किसी भी नए का स्वागत ऐसे कर लेते हैं बिना रोके पूछे कि जैसे वो हमें, हमारा भला करने ही आया है।
लेकिन भाषा के प्रश्नों को, संस्कृति के प्रश्नों को, सामाजिक प्रश्नों को ऐसे पूछा जाना चाहिए, उनसे ऐसे ताकीद की जानी चाहिए जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाता है जब वह किसी अनधिकृत परिसर में प्रवेश करे। तो जिस तरह की पूछताछ उससे तब की जाती है, वैसे ही भाषा में होने वाले परिवर्तनों को, समाज में होने वाले परिवर्तनों को हमें पूछना चाहिए। इंदिरा, ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में चीन की मंदारिन को भी पछाड़ देगी, इससे कहां तक सहमत हैं आप? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिन महोदय ने पुस्तक लिखी थी उनसे मेरा फेसबुक पर संवाद हुआ और ये सारी बातें जो उन्होंने कही ये उनका निजी मत है। इनके पीछे स्वतंत्र रूप से सत्यापित किए जाने वाले आंकड़े नहीं हैं और उनके तर्कों का स्थापत्य भी ऐसा नहीं है कि जो थोड़ी सी भी जांच पड़ताल के बाद खरा ठहर पाए। तो मेरी उनसे बात हुई है और इस बात को लेकर उस पुस्तक के प्रकाशक और जिस अखबार में ये खबर छपी थी मैं उनके मालिक से भी संपर्क करने वाला हूँ, लेकिन हिंदी की स्थिति वैसी नहीं है जैसी अभी प्रचारित की जा रही है। हिंदी को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? भाषा को आगे बढ़ाने के लिए एक ही चीज है, एक ही वस्तु है, आप उसका प्रयोग करिए। हिंदी के साथ जैसे हुआ है, बहुत सारे शब्द जो हम बोलते हैं ये हमारे अवचेतन का आलस्य है, हमारे अंदर का कहीं आलस्य है जो हमें साधारण से, सरल से हिंदी के सहज शब्दों के बदले दूसरी भाषाओं के शब्दों को इस्तेमाल करने देता है। प्राइम मिनिस्टर आज प्रचलित हो गया, क्या प्रधानमंत्री इतना कठिन शब्द है या इतना क्लिष्ट है? जब हम त्वचा जैसा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं या संस्कृत निष्ठ दूसरे कई शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे भीतर का एक आलसी है जहां हम अपनी भाषा के प्रति सचेत नहीं हैं, सजग नहीं हैं। आप वेबदुनी में आए, हमसे चर्चा की, धन्यवाद। आपने मुझे चर्चा के लिए बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।